वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने हेल्थ बजट में 137% के इजाफे की घोषणा की है। वहीं कोविड-19 महामारी से बदहाल भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी बूस्ट करने के चौतरफा प्रावधान किए हैं। फ्लैट खरीदारों के लिए थोड़ी राहत जरूर दी गई है। सोना चांदी को सस्ता किया गया है तो 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को ITR भरने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत व डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने, किसानों की आय को दुगना करने, रेलवे के विस्तारीकरण के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय व वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय तिवारी व व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित ही यह बजट आम आदमी को राहत पहुंचाएगा और भारत डिजिटल इंडिया के साथ आत्मनिर्भर भारत के पथ पर अग्रसर होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। खेती किसानी पर ध्यान दिया गया है। MSP पर खरीदारी जारी रहेगी। MSP 1.5 गुना बढ़ाने का प्रावधान भी है। कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से बजट दिया गया है। यह भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का मकसद हर व्यक्ति को कोरोना वायरस से सुरक्षा देना है। सड़क, बिजली व पानी सहित हर क्षेत्र में सुधार की बात की गई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने 10 में से 10 अंक दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे व दूरभाष पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज जो 2021-22 का जो बजट पेश किया वो बहुत ही सराहनीय है और इनसे आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा और डिजिटल भारत का सपना साकार होगा। इसमें 75 वर्ष के से ऊपर के उम्र के लोगों को इस सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो रिटर्न जो है, इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो 75 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जो है किसानों के लिए भी बहुत राहत दिया है, उनको हर तरह की छूट दिया है। फिर उसके साथ व्यापारियों को भी छूट मिला है। GST में भी उन्होंने ये कहा है कि हम काफ़ी सहूलियत देंगे। साथ साथ सोने और चांदी के एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया है, उससे सोना चांदी जो है वो अभी सस्ता होगा। इस तरह से उन्होंने काफ़ी राहत मतलब जो है आम पब्लिक में किया है। साथ साथ इसमें इंश्योरेंस वगैरह में भी वो राहत मिलेगी, इंश्योरेंस से भी लोगों को। और दूसरा है कि जो है वन सिटी का जो मतलब सपना है उसमें राशन कार्ड वगैरह जो है जो बनाएंगे वो पूरे 32 राज्यों में लागू होगा, जिससे कहीं भी अगर कोई राशन कार्ड एक बना रहता है तो वो कहीं भी अपना अनाज ले सकता है, ऐसा भी उन्होंने राहत दिया है। साथ ही साथ रोजगार में भी लोगों को सहूलियत मिलेगी, नौकरी मिलेगी और व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा, ऐसा उन्होंने मतलब बहुत अच्छा बजट था। सब ले दे करके उन्होंने जो बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा है। हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और सब आम जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा। बजट बिल्कुल उत्साहित बजट है और इससे लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक तो हमारे जो बजट में स्वास्थ्य के प्रति है वो बहुत बढ़िया है। उसमें विशेष ध्यान दिया गया है, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों चाहे नौजवान हों। और उससे हमको लगता है कि जो कोविड की स्थिति में जो हम थे
उससे हम ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ेगी और संभावनाएं चाहे उद्योग का हो चाहे ग्रामीणों के लिए किसान का हो इन सब चीज़ों में हम अग्रसर होंगे। और उच्च शिक्षा की तरफ जैसे लद्दाख में यूनिवर्सिटी खुल रही है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोलने का सरकार का बजट है वो बहुत ही उत्साहित है। और 75 साल के ऊपर जो लोग हैं जो पेंशन पा रहे हैं उनके बजट में उनके टैक्स में टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई और इससे हमको आगे भी सभी उद्योग धंधे चाहे कृषि सबको बढ़ावा मिलेगा जिसमें ख़ास तौर से आप देखें कि स्वास्थ्य के प्रति विशेष हम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और उससे लगता है कि जो कोविड वाली स्थिति थी वो उसकी रिकवरी आने वाले समय में हो जाएगी जिसमें ख़ास तौर से आप देखें कि जो उच्च शिक्षा है उसमें जो वेतनभोगी वर्ग है उसमें जो बुज़ुर्ग जो लोग पेंशन पा रहे हैं उसमें 75 वर्ष के ऊपर की आयु वाले लोग टैक्स लायबिलिटी से भी उनका बोझ कम होगा। और साथ ही जो पुराना टैक्स जो हम लोगों के ऊपर वेतनभोगी पर था वो सेम है तो उससे भी हमारे यहाँ जो लोग वेतनभोगी लोग हैं वो भी उन्नति करेंगे और उनके स्वास्थ्य के प्रति भी जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी फायदेमंद है। और कृषि के क्षेत्र में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जैसे 8,500 किलोमीटर के लिए 4-lane की आगे और प्लानिंग है तो उससे हमारे यहाँ सड़कों पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में गिना जाता है जिससे व्यवसाय भी अधिक होगा और इन लोगों को बहुत ज़्यादा आप देखें कि उत्साहित बजट है। इसमें रेलवे देखिए 1,00,000 करोड़ और 55 लाख रुपए का जो व्यवस्था किया गया है उसमें ये हमारा जो विश्व स्तरीय बजट होगा जैसे उसमें तरह तरह की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी मेट्रो ट्रेन चलेंगे इन सब के लिए भी हम बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलेगा। और कृषि क्षेत्र में भी जो स्थिति पंजाब की है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी प्राथमिक क्षेत्र में आज आप देखें हमारे मुख्यमंत्री के कारण उनके खातों में पैसा पहुँचना उनको लाभ देना ये सब चीज़ें चल रही हैं और आने वाले समय में भी हम उधर अग्रसित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुलने की बात आ रही है और जिसमें लद्दाख में भी हमारी यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है और भी सरकार के जो प्रोविजन्स हैं बजट में जो प्रोविज़न किए गए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुलने के हैं और वो विश्वविद्यालय खुलेगा तो उधर भी हमको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात की है प्रधानमंत्री ने। हाँ ये आप देखें निर्भर भारत पहले हम चाइना से सामान मंगवाते थे लेकिन आज हमारे यहाँ चाहे आप ये देखें टेराकोटा है यहाँ चाहे गांधी आश्रम है वो एक से एक प्रोडक्ट उसके लिए भी व्यवधान किया गया है कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह जाए चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे हमारा ये रेलवे हो चाहे हमारा उड्डयन हो और इन सारी चीज़ों की तरफ हमको आप खुद देख लें कि पहले कोविड के समय से ज़्यादा आज गीडा में उद्योगों की स्थापना हो गई है और इसके साथ साथ चारों तरफ इस बजट से विकास होगा।
डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं की है वित्त मंत्री ने और डिजिटल जनगणना की बात की है, हाँ, तो कितना डिजिटल जो मीडिया या सोशल मीडिया कितना बढ़ावा मिलेगा इससे? इससे बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। आज अगर हम जो पेमेंट सिस्टम है, हमको पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डिजिटल से ट्रांसफ़र हो जा रहा है। चाहे हम उच्च शिक्षा में जाएं तो ऐसे ऐसे ब्लैक बोर्ड आ रहे हैं, ऐसे हमारे आज उसी का नतीजा है कि कोविड के बाद हम एक जगह बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हम कभी भी कोविड के बाद से हमारी सारी उच्च शिक्षा आज भी मेंटेन कर गई, ये रिकवरी ही है। और इसमें अभी आगे और संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को इस पैसे के द्वारा, इस मुद्रा के द्वारा और भी ज़्यादा दूर किया जाएगा। यानी कुल मिला जुला कर बजट बहुत सराहनीय है, और चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में हो, चाहे उच्च शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे उद्योगों के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, ये चाहे स्वास्थ्य के प्रति तो विशेष ध्यान दिया है बजट में, और जिससे इस तरह की महामारी आने की कोई संभावना नहीं है। और अपने तो देश में है ही है, साथ साथ विदेशों को भी मदद मिल रही है इससे। और हमारे देखिए वैक्सीनेशन के लिए भी उन्होंने कुछ अमाउंट दिया है, जिससे जो लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं वो सहर्ष करा रहे हैं और कराते रहेंगे, जिससे कोई महामारी या बीमारी ना आ पावे। कोविड के बाद जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, वह निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बजट है और विकासोन्मुख बजट। बजट में जिस प्रकार से किसानों के लिए भी किया गया है और किसानों को प्रोन्नत किया गया है, उसी तरह से उद्योगों को भी वो पूरी तौर पर प्रभावी बनाया गया, और विकास दर आगे चल करके 11% तक की हो, इस बात को जो है वह ये इस बजट में दर्शाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है, इतना सुंदर बजट दिया है कि आज पूरा व्यापार जगत भी उसकी सराहना कर रहा है। अब आप ये सोचिए, उस बजट में कुल में देश भर में कागज जमीनों के कागजात को डिजिटल करने की बात आ गई। उस बजट में 15,000 स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार की बात आ गई। उस बजट में सबसे पहले 15,700 करोड़ रुपए एमएसएमई को दिया, 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही, माइक्रो एग्रीकल्चर के लिए तो कभी सोचा भी नहीं गया था, उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा व्यवस्था किया गया। अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपया दिया गया, और पूरे देश को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद का भी प्रस्ताव किया गया, और देखा जाए तो जीडीपी भी जो है वह 11% तक 2025 तक लाने की बात कही। वह इस आधार पर कही कि इस बीच पूरा विकास हम कर लेंगे, और अगर वैक्सीन के लिए, कोविड के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई थी, 20,000 करोड़ रुपया एफडीआई की स्थापना के लिए किया गया, 5,00,000 करोड़ से अधिक का पूंजीगत
उसके व्यवस्था के लिए ऐलान किया गया। तो ये बजट पूरे तौर पर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके हित को देखते हुए बनाया गया है। इस नाते जितनी भी सराहना इस बजट की जाए वह कम है। आप पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, आप अपने हिसाब से अंकों को कितना देंगे, 10 में से कितना देंगे? कोविड के बाद भी जिस प्रकार का बजट दिया गया है माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उसमें हम 10 में 10 अंक देंगे।